हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे जो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो नरेटिव चलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ईडी और इनकम टैक्स का सहारा लेके किसी के ऊपर भी रेड कर रही है, ऐसा किसी के अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई, सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ, एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई, डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस, लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, हो गए बकचोदी। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? बॉस, ये सब दोगला, मैं तेरा दोगला बना उतारता हूं। के ऊपर भी रेट नहीं कर रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं के ऊपर रेट कर रही है जो ऐसे तथ्यों में लिप्त है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो अभी 2014 से 2022 तक का 3010 लोगों के ऊपर ऐसे जांच की जा चुकी है और रेड मारा जा चुका है। उसमें से 99,356 करोड़ बरामद कर चुके हैं, जब्त कर चुकी है। जब अगर ऐसे ही सिर्फ रेड पड़ते रहता तो इतनी रकम जब्त नहीं की जाती। ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि लोगों और उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए बोल के इस तरह की बातें करते हैं वो। बट भारत की जनता समझदार है, वो ऐसे मूर्खों की बातों में नहीं आती। करके तो 2 बार मोदी जी को चुन के लाई, क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनको तो क्या है, देश संकट में है, आपातकाल आ गया है, एकदम मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, इस टाइप की बात करेंगे। मीडिया की स्वतंत्रता में पहले 156 नंबर था, अभी भारत का नंबर 180 हो गया है। अब ये विदेशी लोगों के द्वारा ये आंकड़े तय किए जाते हैं, वो बताएंगे कि हमारे देश में कैसा माहौल है, कैसा नहीं है। उनको तो सिर्फ भारत की छवि को बदनाम करना है। और यहाँ कुछ बैठे लोग भी हैं, गद्दार लोग, वो भी भारत की छवि बदनाम करने के लिए जी रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं बताएंगे ना कि इतना रेट पड़ रहा है, इतनी रकम बराबर, तो उनकी हरामजादगी दिख जाएगी। ये बहुत बहुत होशियार बनते हैं ना, जो लोगों को कुछ भी बोल के कि अगर बीबीसी की यहाँ रहता तो रेड मारते। क्यों नहीं मारेंगे? जो जो लगेगा कि भारत को तोड़ने का कार्य कर रहा है, जो जो भारत में विद्रोह करने का काम कर रहा है, सबके ऊपर रेड पड़ेगा और उनको बैन भी किया जाएगा। रेड क्या, बैन भी किया जाएगा वैसी मीडिया हाउसेस को जो भारत को तोड़ने के लिए हमेशा जाल साजिश करते रहते हैं। वैसे लोगों को तो मारा ही जाएगा, तोड़ा ही जाएगा उनको जड़ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।